दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेलीप्राइम के अंदर बिल ऑफ मटेरियल यानी मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से रॉ मटेरियल को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, उसके बाद आप उसका किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद किस तरीके से आप अपने बैलेंस शीट को मैनेज करेंगे, यानी आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरीके से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि आप किस तरीके से रॉ मटेरियल को परचेज करते समय यहाँ पर जीएसटी को किस तरीके से एप्लीकेबल करेंगे और उसके बाद जब आप अपने आइटम को यहाँ पर सेल करेंगे तो उसके ऊपर किस तरीके से आप जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रख दिया है और यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का एड्रेस फिल कर देना है। तो रेंडमली हम यहाँ पर एक एड्रेस फिल कर रहे हैं। एड्रेस फिल करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। तो रेंडमली हम यहाँ पर एक पिन कोड डाल दे रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर हम रेंडमली एक नंबर टाइप कर दे रहे हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। तो रेंडमली हमने यहाँ पर भी एक मोबाइल नंबर फिल कर लिया है और यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का फैक्स नंबर फिल करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की ईमेल आईडी डाल देनी है। तो रेंडमली हम यहाँ पर भी एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट फिल करनी है। तो रेंडमली हम यहाँ पर एक वेबसाइट फिल कर रहे हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको सेम डेट रखते हुए यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर जीएसटी के ऑप्शन को यहाँ पर यस रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर फिल कर देना है। तो दोस्तों रेंडमली हम यहाँ पर अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर फिल कर दे रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी R1 सेलेक्ट करना है कि आप इसे मंथली फाइल करेंगे या फिर क्वार्टरली। तो हम यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसे एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर दी गई है। अब हमें अपने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना है, यानी जिन चीज़ों का हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करने वाले हैं उन सभी आइटम्स को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें आना है स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम पर आने के बाद यहाँ पर हमें एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हमें सभी आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर लेने हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अपना एक कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं और यहाँ पर हम इन सभी पार्ट्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इन सभी आइटम्स को फटाफट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर CPU को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करते हुए इसका एक अंडर ऑफ ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लिखने के बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ पर इसे प्राइमरी रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर अपने आइटम पर जीएसटी को भी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपने आइटम का HSN नंबर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हम अपना HSN नंबर टाइप कर लेते हैं। HSN नंबर टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टैक्सेबल को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे यहाँ पर 18% का जीएसटी रेट होता है। तो यहाँ पर हम 18% को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर यूनिट क्रिएट करना है। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। इसके बाद सिंबल में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है पेसिस और यहाँ पर आप चाहें तो इसका फॉर्मल नेम टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड को यहाँ पर P प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पीसेस दिखाई देगा। यहाँ पर हम पीसेस को सिलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी जीएसटी अपने ग्रुप में एप्लीकेबल किया था वो जीएसटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करते हैं तो आपको सभी आइटम्स पर आप यहाँ पर अलग अलग HSN नंबर और अलग अलग आइटम्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो जीएसटी एप्लीकेबल किया है वो ग्रुप में ही कर दिया है,
तो यहाँ पर हमने एक ही HSN नंबर लिया है और सभी आइटम्स के ऊपर 18% का यहाँ पर GST हमने एप्लीकेबल कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से अलग अलग स्टॉक आइटम पर अलग अलग GST या सिर्फ अलग अलग HSN नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसकी मदद से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अंडर ऑफ ग्रुप के अंदर ही यहाँ पर एक ही GST और एक ही HSN नंबर फिल कर दिया है, यही हमारा सभी पर एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ पर इसे एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पर अपने दूसरे पार्ट्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है वो मदरबोर्ड है। तो यहाँ पर हम मदरबोर्ड लिखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करते हुए, यहाँ पर पीसेस को सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा GST यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हम इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे जितने भी यहाँ पर आइटम्स हैं इन सभी आइटम्स को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रैम को क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ऑफ इसे देंगे रॉ मटेरियल, पीसेस को सेलेक्ट करते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं SSD और उसके बाद इसे अंडर ऑफ रॉ मटेरियल रखते हुए यहाँ पर पीसेस को सेलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें ग्राफिक कार्ड भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम ग्राफिक कार्ड को भी ऐड करेंगे। ग्राफिक कार्ड लिखते हुए अंडर ऑफ रॉ मटेरियल पीसेस को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम साउंड कार्ड को भी ऐड कर रहे हैं। साउंड कार्ड लिखने के बाद अंडर ऑफ रॉ मटेरियल पीसेस को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर पावर सप्लाई को भी ऐड करने वाले हैं। तो पावर सप्लाई लिखने के बाद इसे अंडर ऑफ रॉ मटेरियल पीसेस को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी स्टॉक आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर मेन आइटम क्रिएट करना है जो कि हम इसे असेंबल करने के बाद बनाने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर और उसके बाद हम इसे एंटर करके इसे प्राइमरी रखते हुए यहाँ पर आप इसे पीसेस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई नई यूनिट क्रिएट करना चाहें तो वो यूनिट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे पीसेस रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सीधे यहाँ पर GST वाले डिटेल पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन होता है जिसे हमें यहाँ पर यस करना होता है। उस ऑप्शन को हमें यहाँ पर एप्लीकेबल करने के लिए अपनी कीबोर्ड से प्रेस करना है F12 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स का। इसको आपको यहाँ पर यस करना है। वाई प्रेस करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ पर इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स के अंदर सेट कंपोनेंट्स का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यानी बॉम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इसे वाई प्रेस करते हुए यानी यस प्रेस करते हुए आपको इसे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप बिल ऑफ मटेरियल में क्या आइटम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं कंप्यूटर मशीन। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आप कितनी यूनिट्स यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर 1 यूनिट रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर बताएंगे कि एक यूनिट को बनाने में कितने कितने आइटम्स हमारे यहाँ पर यूज होंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर CPU ले लेते हैं एक क्वांटिटी कि अगर हम यहाँ पर एक पीस बनाते हैं यानी एक कंप्यूटर बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा CPU कितना लगाया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ग्राफिक कार्ड भी हम यहाँ पर एक रखेंगे। इसी तरीके से मदरबोर्ड मान लीजिए हम यहाँ पर एक रखते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर पावर सप्लाई भी एक रखेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर हम रैम की क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर 2 कर देते हैं कि यहाँ पर हम जो रैम अपने CPU में लगाने वाले हैं यानी अपने कंप्यूटर में लगाने वाले हैं यहाँ पर 2 पीस लगाने वाले हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर साउंड कार्ड को एक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर SSD को आप यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो SSD की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इतने आइटम्स को रखते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट रखते हुए अब यहाँ पर हमें अपने इस आइटम के ऊपर GST को एप्लीकेबल करना होगा। तो हम यहाँ पर इसे एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल हियर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको HSN नंबर डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना HSN नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कंप्यूटर और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स के अंदर भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टैक्सेबल को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर जो हमने GST रेट यहाँ पर लगाया था 18% का वही सेम रेट आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो ये टाइप है वो गुड्स है सर्विस या फिर कैपिटल गुड्स है। तो यहाँ पर हम गुड्स को रखते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी टोटल स्टॉक यूनिट यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। इसके बाद हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आएंगे और यहाँ पर हमें आना है लेजर्स के ऊपर। लेजर में आने के बाद यहाँ पर हमें एक पार्टी का लेजर क्रिएट करना है जिससे हम इन सभी गुड्स को परचेज करने वाले हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मोहन कुमार जिससे कि हम सभी स्पेयर पार्ट्स को यहाँ पर खरीदते हैं। इसे अंडर ऑफ डालेंगे सेंडी क्रेडिटर के और उसके बाद यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर इसकी सभी फर्दर डिटेल को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो उसका पैन कार्ड डिटेल डालते हुए आप यहाँ पर इसे एंटर कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप में आप चाहें तो यहाँ पर रेगुलर या कंपोजिशन रख सकते हैं। फिलहाल हम इसे रेगुलर रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको अपने पर्सन का यानी जिससे
आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों हमने रैंडमली एक जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल दिया है, इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट एडिशनल जीएसटी डिटेल को आपको फिलहाल यहाँ पर नो रखते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से हम एक और पार्टी को क्रिएट करेंगे जिसे हम अपने इस कंप्यूटर के पार्ट्स को जो हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया है इसे सेल करेंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कमल और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देंगे सेंडरी डेबिटर और इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करना है। अगर आपकी पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसे एंटर करके यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर कोई भी जीएसटी नंबर फिल नहीं किया है। इसी तरीके से एक और लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर परचेज का और इसे अंडर ऑफ डालेंगे परचेज अकाउंट के और उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करते हुए इसे यहाँ पर गुड्स रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से एक लेजर बनेगा हमारा सेल्स अकाउंट का और इसे भी अंडर ऑफ हम यहाँ पर सेल्स डालते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और लेजर क्रिएट करना होगा सीजीएसटी का जिसे अंडर ऑफ डालना है आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के और इसके बाद यहाँ से आपको जीएसटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कोई भी परसेंटेज यहाँ पर फिल नहीं करनी है, आपको यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ जाना है। राउंडिंग मेथड में अगर आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पर रख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर राउंडिंग लिमिट आप चाहें तो यहाँ पर इसे 1 दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और इसी तरीके से हम एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं एसजीएसटी का और उसके बाद अंडर ऑफ डालेंगे इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, यहाँ से आपको जीएसटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको एसजीएसटी और यूटी जीएसटी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप इसे नॉर्मल राउंडेड रखते हुए लिमिट यहाँ पर 1 रखते हुए इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद हमारे लेजर्स और आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर टाइप का। इस वाउचर टाइप में आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक नया वाउचर क्रिएट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग या फिर बॉम के नाम से। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे यहाँ पर स्टॉक जनरल के और उसके बाद एंटर करके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद एंटर करके आपको यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद हमारे सभी काम यहाँ पर कर दिए गए हैं। अब यहाँ से स्कैप करके हम बाहर जाएंगे और यहाँ पर हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और यहाँ पर आपको वाउचर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको F9 प्रेस करना है, या तो आप यहाँ पर F9 प्रेस कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने परचेज वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम अपने सभी रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर परचेज करने वाले हैं। आप यहाँ पर अपने सप्लायर का इनवॉइस नंबर टाइप कर दीजिए। जब आपने गुड्स को परचेज किया था तो उस बिल के ऊपर जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट में आप यहाँ पर अपना परचेजिंग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आपको अपनी पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो हमारे केस में हम मोहन कुमार से अपनी गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो मोहन कुमार को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो ये सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इन सभी डिटेल्स को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं और एंटर करते हुए यहाँ नीचे की तरफ हम आ जाएंगे। यहाँ पर पार्टी डिटेल को आप देख सकते हैं, आपकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको परचेज के लेजर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हुए आपको अपने सभी आइटम्स को यहाँ पर परचेज कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीपीयू को परचेज करेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कंप्यूटर को परचेज नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सीपीयू को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है, इसकी क्वांटिटी डालनी है और यहाँ पर इसका रेट हमें फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रेट है 5960 है, तो हम यहाँ पर 5960 डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसे एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ग्राफिक कार्ड की क्वांटिटी भी हमारी यहाँ पर 100 पीसेस थी। यहाँ पर इसका रेट आपको डाल के यहाँ पर एंटर कर देना है। तो दोस्तों हमारे केस में ग्राफिक कार्ड का जो रेट है वो 4000 रुपये था, तो हम इसे 4000 डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से तीसरा आइटम आप यहाँ पर देख सकते हैं मदरबोर्ड है, यहाँ पर इसे भी 100 पीस लेंगे और यहाँ पर इसका जो प्राइस था वो 3550 रुपये था, तो 3550 रुपये डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम को ले लेंगे, यहाँ पर पावर सप्लाई है 100 पीस है और यहाँ पर पावर सप्लाई का जो रेट है वो 550 रुपये था, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर रैम लेंगे, रैम यहाँ पर हमें 200 लेने हैं क्योंकि एक पीस को बनाने में यहाँ पर दो रैम हमारी लगाई जाएंगी, तो यहाँ पर हम 200 पीस को यहाँ पर परचेज करने वाले हैं।
एक रैम का जो प्राइस था वो 1250 रुपये था, तो 1250 रुपये डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो साउंड कार्ड की क्वांटिटी भी यहाँ पर 100 पीसेस है। यहाँ पर साउंड कार्ड का जो प्राइस है वो 1250 रुपये ही है, तो 1250 रुपये डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से एंटर करते हुए लास्ट जो हमारा आइटम बचता है वो SSD है, तो SSD को लेते हुए यहाँ पर 100 पीस देंगे और इसका जो प्राइस था वो 45 रुपये था, तो हमने 45 रुपये डाल करके यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों एक्सेप्ट करने से पहले इन सभी आइटम्स के ऊपर हमें यहाँ पर GST को भी एप्लीकेबल करना होगा, तो GST को एप्लीकेबल करने के लिए आपको यहाँ पर एंटर एक बार और प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर CGST का एक लेजर आपको दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने 9% का इन सभी आइटम्स के ऊपर GST एप्लीकेबल हो गया है। इसके बाद आपको एक बार और एंटर प्रेस कर देना है। स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको SGST को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SGST भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी टोटल हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9% आपका CGST और 9% आपका SGST है। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे ईवी बिल के लिए पूछा जा रहा है, तो उसको फिलहाल हम यहाँ पर नो रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखते हुए इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आइटम्स को परचेज कर लिया है। परचेज करने के बाद अब हम यहाँ पर इसका प्रोडक्शन यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और उसके बाद उस आइटम को यहाँ पर सेल करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+F7। Alt के साथ जैसे हम यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा BOM के नाम से, जो कि हमने यहाँ पर एक नया वाउचर क्रिएट किया था। तो BOM को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर यानी कौन से प्रोडक्ट का आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो स्पेस प्रेस करते हुए हम यहाँ पर कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कितने कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर चाहें तो 50 मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अभी फिलहाल आप यहाँ पर 50 पीस बनाने वाले हैं कंप्यूटर के, तो यहाँ पर हमने 50 क्वांटिटी डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर 50 क्वांटिटी डाल करके एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी क्या क्या आइटम में लगाई गई है और कितने प्राइस का है वो सभी क्वांटिटी और रेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कितने का आपका सारा सामान लगाया गया है, कितने पीस लगाए गए हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जस्ट नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो टोटल पीसेस का यूज़ किया गया है वो 400 पीस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,15,500 रुपये का टोटल यहाँ पर हमारा एक्सपेंस हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पर 50 पीस को मैन्युफैक्चर कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंटर करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यानी इस चीज़ को बनाने के लिए आपने जितने भी खर्चे यहाँ पर किए हैं वो सभी खर्चे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक एक्सपेंस तैयार करते हैं लेबर चार्जेस का, और अंडर ऑफ इसे डालेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंस के, और उसके बाद यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप चाहें तो इसकी परसेंटेज में इसके एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट डालना चाहें तो एंटर प्रेस करके यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल एडिशनल कॉस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,15,500 रुपये का हमारा टोटल एडिशनल कॉस्ट है। इसी तरीके से इफेक्टिव कॉस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीस को बनाने के लिए हमारा जो टोटल खर्चा हुआ है वो आप देख सकते हैं 22,310 रुपये का यहाँ पर हमारा एक्सपेंस हुआ है। यानी कि अगर हम एक पीस को यहाँ पर बनाते हैं तो हमें 22,310 रुपये का ये पर पीस हमें पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लेबर चार्जेस को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर अपना जो लेबर चार्जेस है वो यहाँ पर 5,000 रुपये ऐड कर रहे हैं। 5,000 ऐड करते ही जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी कॉस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,410 रुपये हो गई है। इसी तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे ये अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। अब मान लीजिए लेबर चार्जेस के अलावा हम यहाँ पर ऑल्ट सी करके एक और चार्जेस को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। मान लीजिए इसे बनाने में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी खर्चा हुआ है, तो हम यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं और इसे अंडर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट
कर लेते हैं। मान लीजिए 2000 रुपए का हमारा यहाँ पर बिजली के बिल का खर्चा हुआ है, 2000 रुपए टाइप करने के बाद हम यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट था यहाँ से वापस से इंक्रीज हो गया है। तो यानी कि जितने भी खर्चे इस आइटम को बनाने में हम यहाँ पर ऐड करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम कॉस्ट था वो यहाँ पर इन्हेंस होता चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीस हमारा जो पड़ेगा वो 22,450 रुपये का हमें पड़ रहा है। इसके ऊपर हमें GST को ऐड करना है और इसके बाद यहाँ पर हमें अपना 10% का प्रॉफिट ऐड करना है, उसके बाद हम यहाँ पर इस आइटम को सेल करेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर हम इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इफेक्टिव कॉस्ट है 24,450 रुपये का हमारा एक आइटम यहाँ पर पड़ा है। तो उसके ऊपर हम अपना मार्जिन रखेंगे यानी 10% का मान लीजिए हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को यहाँ पर इन्हेंस कर सकते हैं और यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करते हुए इफेक्टिव रेट को लेते हुए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10% से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है पर पीस का 2445 रुपये का यहाँ पर पीस का प्रॉफिट आ चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वल टू यूज़ करना है इफेक्टिव कॉस्ट को प्लस कर देना है यहाँ पर अपने 10% प्रॉफिट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आइटम है 26,895 रुपये का हमारा एक आइटम पड़ रहा है, जिसके ऊपर हमें यहाँ पर 18% की GST लगाते हुए इसे यहाँ पर सेल कर देना है। तो अब हम यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है, वाउचर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से या तो आप F8 प्रेस कर सकते हैं सेल वाउचर के लिए, या तो राइट साइड में आप देख सकते हैं सेल के नाम से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, F8 इसकी शॉर्टकट की है। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेल वाउचर आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कमल सिंह को सिलेक्ट करना है क्योंकि कमल सिंह हमारी पार्टी है जिसको हम अपने इस पीस को बेचने वाले हैं। इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर भी आपको एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सेल्स वाउचर लेना है, स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है क्योंकि 50 पीस हम यहाँ पर बेचने वाले हैं। तो 50 पीस हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल प्राइस है वो 26,895 रुपये का है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 26,895 रुपये और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। टोटल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 13,44,750 रुपये का अमाउंट आ चुका है, जिसके ऊपर हमारा यहाँ पर 18% का GST भी अप्लीकेबल होगा। तो एंटर करते हुए हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ से हम CGST को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ से हम SGST को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर टोटल प्राइस आया 15,86,806 रुपये का टोटल हमारा यहाँ पर कॉस्ट आ चुका है जिसमें हमारा GST इंक्लूडेड है। इसके बाद हम इसे एंटर करके यहाँ पर इसे नो रखते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईवे बिल के लिए हमें बार बार वार्निंग दे रहा है, तो हम फिलहाल इसे नो रखते हुए इसे यहाँ पर स्किप कर लेंगे। स्किप करते हुए हम यहाँ पर बाहर जाएंगे और यहाँ से हमें आना है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद यहाँ पर हम प्रेस करते हैं Alt+F1। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल रॉ मटेरियल था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,31,000 का हमने टोटल माल खरीदा था, जिसमें कि हमने यहाँ पर सेल किया है 13,44,750 रुपये का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है वो 2,29,250 रुपये का यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट हो चुका है। अगर हम स्कैप करके बाहर आते हैं और यहाँ से अगर हम दिखाते हैं आपको अपना स्टॉक समरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 11,15,500 रुपये का भी हमारे पास इतना आइटम बचा हुआ है जिसको और भी हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके इसे सेल कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यही चीज़ अगर आप चाहें तो डैशबोर्ड की मदद से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सेल ट्रेंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और परचेज ट्रेंड भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर करंट एसेट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो 15,86,806 रुपये की हमारी करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो लायबिलिटी है वो 24,73,056 रुपये की हमारी करंट लायबिलिटी है, जिसका हमने यहाँ पर गुड्स को परचेज किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट एसेट्स पे अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास सैंडरी डेबिटर के पास जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,86,806 रुपये हमें यहाँ पर रिसीव करना है और क्लोजिंग स्टॉक में 11,15,500 रुपये का हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट लायबिलिटी हमारी 24,73,056 रुपये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,29,250 रुपये की हमारी यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टैली प्राइम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।